तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेन। स्विच पोर्ट एनालाइजर, स्पेन स्टैंड पोर्ट स्विच पोर्ट एनालाइजर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोर्ट मिररिंग। इसको हम लोग पोर्ट मिररिंग भी बोलते हैं। किस लिए यूज होता है स्पेन? किस लिए यूज होता है? देखो नॉर्मली क्या होता है, या सपोज हमारे पास में यहां पे एक स्विच है, ठीक है, और इस स्विच पे कुछ लैन यूजर अटैच्ड है इन पोर्ट्स के साथ में, ठीक है, और ये स्विच आगे फर्दर एक राउटर से कनेक्टेड है, और राउटर आगे आईएसपी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये जितने भी लैन यूजर हैं ये सारे के सारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, है ना, ये आप लोग हो, और आप क्या हो यहाँ के नेटवर्क एडमिन। इस स्विच को कौन मैनेज कर रहा है? आप मैनेज कर रहे हो, है ना, और ये जितने भी लाइन यूजर है ये सारे के सारे इंटरनेट के थ्रू क्या कर, इस स्विच के थ्रू इंटरनेट से क्या कर पा रहे हैं? कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और ये लाइन यूजर किस टाइप का डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सब कुछ हमने क्या करना है? मॉनिटर करना है। अब एक बात बताओ, नॉर्मली स्विच को जब आप एक्सेस करते हो तो स्विच पे हमें विजिबल होता है क्या किस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है, कौन सा ट्रैफिक नहीं जा रहा है? हम लोग, हमें दिखाई दे रहा होता है, कुछ विजिबल होता है, वो सारी की सारी प्रोसेस क्या चल रही होती है? बैकएंड में चल रही होती है। हमें कंसोल पे ऐसा कोई वहां पे डिस्प्ले नहीं होता कि ये लाइन यूजर इस पोर्ट से किस टाइप का डेटा ट्रैफिक भेज रहे हैं, किस टाइप का डेटा ट्रैफिक नहीं भेज रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब आप यहां के नेटवर्क एडमिन हो और आपने क्या करना है, यहां पे आपने इस नेटवर्क को क्या करना है? मॉनिटर करना है कौन से लाइन यूजर किस टाइप का डेटा ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ये हम लोग जो मॉनिटरिंग करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे? स्पैन के थ्रू, स्विच पोर्ट एनालाइजर के थ्रू। और इस स्पैन में हम लोग क्या करते हैं, स्पैन में जो हमारे पोर्ट है, हम लोग दो टाइप के पोर्ट डिफाइन करेंगे, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट वो रहेगा जिस पोर्ट का डेटा ट्रैफिक हमने क्या करना है? मॉनिटर करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने देखना है कि ये लाइन यूजर किस टाइप का डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव कर रहा है स्विच से, इंटरनेट के थ्रू जो कम्युनिकेट कर रहा है, या फिर इनके साथ में भी अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो किस टाइप का डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव कर रहा है। अगर आपने मॉनिटर करना है तो इस वाले पोर्ट को मॉनिटर करोगे ना आप, तो ये पोर्ट हमारा क्या रहेगा? सोर्स पोर्ट रहेगा। ये पोर्ट क्या रहेगा आपका? सोर्स पोर्ट, जिस पोर्ट का डेटा ट्रैफिक हमने क्या करना है? मॉनिटर। और अब इस सोर्स पोर्ट पे आप क्या कर सकते हो? डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो तीन। एक क्या? हाँ, आपने किस टाइप का ट्रैफिक मॉनिटर करना है, जो इनबाउंड ट्रैफिक है वो, या जो ट्रैफिक आउटबाउंड, जो ट्रैफिक आउट हो रहा है वो, या फिर बोथ, कोई भी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो। तो मैं अगर यहां पे इस सोर्स पोर्ट की डायरेक्शन डिफाइन करता हूं क्या? इन, इनबाउंड, तो जो ट्रैफिक क्या हो रहा होगा? इन हो रहा होगा, उसी को क्या करेगा? ये मॉनिटर करेगा स्पैन। और अगर आप क्या बोल दोगे? आउट बोल दोगे, तो जो ट्रैफिक इस पोर्ट से क्या हो रहा होगा स्विच से? आउट, उसी को मॉनिटर करेगा। अगर आप बोथ बोलोगे तो जो इन हो रहा है और जो आउट हो रहा है उन दोनों को क्या करेगा? वो मॉनिटर करना स्टार्ट कर देगा। और मॉनिटर करके भेजेगा कहां पे? अब यहां पे और भी कुछ मल्टीपल पोर्ट्स हैं, यहां पे एक और पोर्ट है, और यहां पे आपका एक और डिवाइस अटैच्ड है जिसपे मैंने कोई स्निफर टूल इंस्टॉल कर रखा है। क्या इंस्टॉल कर रखा है? स्निफर टूल, जिसपे हम लोग डेटा क्या कर सकते हैं? कैप्चर।
एक स्निफर टूल इंस्टॉल कर रखा है, स्निफर टूल आपका कोई भी हो सकता है, जिसको हम लोग वायर शार्क बोलते हैं, जिसको हम लोग सोलर विंड बोलते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आप यूज कर सकते हो मॉनिटरिंग के लिए, डेटा कैप्चर करने के लिए। तो इस मशीन पे आप क्या इंस्टॉल करोगे, या फिर कोई भी एक स्निफर टूल आप इंस्टॉल करोगे, वायर शार्क या सोलर विंड कोई भी इंस्टॉल कर लोगे। लाइक आप लोग क्या यूज कर रहे होते हो, वायर शार्क मैंने यहां पे इंस्टॉल कर दिया। और इस पोर्ट को क्या बोल दोगे आप, डेस्टिनेशन पोर्ट। ये पोर्ट क्या रहेगा, सोर्स पोर्ट। और हमने डायरेक्शन क्या डिफाइन करी, बोथ। तो मतलब जो ट्रैफिक इन हो रहा है और जो ट्रैफिक आउट हो रहा है, दोनों को क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा और एक कॉपी कहां पे भेज देगा, उसकी डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेज देगा। और इस लैन पोर्ट का डेटा ट्रैफिक मैं क्या कर रहा हूं, कैप्चर कर रहा हूं, किसमें, वायर शार्क में। आप इस मशीन पे ये वायर शार्क ओपन करोगे, जैसे वायर शार्क ओपन करोगे ना, यहां पे आपको ये आपका लैन कार्ड दिखा रहा होगा। इस लैन कार्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पे जो भी डेटा कैप्चर दिखा रहा होगा वो कौन से दिखा रहा होगा, इस लैन पोर्ट पे जो डेटा ट्रैफिक आ रहा है, या इस लैन पोर्ट से जो डेटा ट्रैफिक जा रहा है, वो आपको वायर शार्क में दिखाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे वायर शार्क पे जो डेटा ट्रैफिक इस वाले पोर्ट पे क्या हो रहा है, इन आउट हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है। और एक कॉपी कहां पे भेज रहा है, वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे। और डेस्टिनेशन पोर्ट पे हमने वो स्निफर टूल कोई भी एक इंस्टॉल कर रखा होगा, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कैप्चरिंग। आगे बात समझ में। तो अब यहां पे आप बैठ के अब मॉनिटरिंग कर सकते हो ना, मॉनिटर कर सकते हो ना, ये लैन यूजर किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहा है, डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव कर रहा है। आगे बात समझ में, इतनी चीज क्लियर है। अरे स्पैन यूज किस लिए होता है वो पता चला। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कॉल सेंटर वगैरह में कॉल करते हो, तो वहां पे एक्चुअली क्या होता है ना, वहां पे ये हो रहा होता है, कि इस पोर्ट से डायरेक्टली मशीन में केबल कनेक्टेड नहीं होती है, वो किस पे कनेक्टेड होती है, आईपी फोन के साथ में। आईपी फोन पे एक और पोर्ट होता है RJ45 का, एक RJ45 पोर्ट रहेंगे, एक आईपी फोन में स्विच से आ रहा होगा और दूसरे से किस पे कनेक्टेड होगा, वो पीसी पे कनेक्टेड होगा। आप लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हो ना, आपकी कॉल जाती है इस आईपी फोन पे, वो कॉल पिक करता है, आपसे नंबर पूछता है वो कॉल सेंटर वाला, तो उसके पास में यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रखी होती है, वो उस एप्लीकेशन में अपना नंबर, आपका नंबर इंसर्ट करता है और आपके नंबर की पूरी डिटेल उसके साथ में, उसके सामने क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है, जो भी आपका बैलेंस वगैरह डिडक्ट हुआ है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है ना, ऐसे ही होता है कुछ। तो इस मीडिया से ना दो टाइप का ट्रैफिक जा रहा होता है, इस लैन यूजर का भी और आईपी फोन का भी। कौन सा ट्रैफिक, वॉइस ट्रैफिक, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब आप कॉल करते हो तो वो क्या बोलते हैं आपको, पहले कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो सकती है ना, क्वालिटी पर्पज के लिए जो भी है, ऐसा कुछ पहले वो बोलते हैं ना। तो एक्चुअली क्या होता है, वो कैसे रिकॉर्ड होती है, इस वाले पोर्ट को क्या बोल रखा होता है, सोर्स, और इस वाले पोर्ट को क्या बोल रखा होता है, डेस्टिनेशन। और यहां पे इस मशीन पे इन्होंने वो रिकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर क्या कर रखा होता है, इंस्टॉल कर रखा होता है। और जो भी डेटा ट्रैफिक आपका इस पोर्ट से इन आउट हो रहा होता है, उसकी एक कॉपी कहां पे भेज रहा होता है, वो इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे, और वो वहां पे जाके आपकी कॉल क्या हो रही होती है, रिकॉर्ड हो रही होती है। समझ में आ रही, वो सारा का सारा वॉइस ट्रैफिक वहां पे क्या हो रहा होता है, कैप्चर, वो सारा का सारा वॉइस ट्रैफिक आपका रिकॉर्ड होता रहता है। समझ में आ रही है ना बात। तो मॉनिटरिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, आपका जो वॉइस कॉल्स है उनको रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज कर सकते हो, क्या, स्पैन। बात आगे समझ में। दो टाइप के पोर्ट होंगे, एक सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट। सोर्स पोर्ट वो रहेगा जिसको हमने मॉनिटर करना, और डेस्टिनेशन पोर्ट रहेगा जहां पे हमने उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड करनी है। क्लियर है ये चीज, अभी तक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, ओके। अब देखो यहां पे टाइप्स ऑफ स्पैन, टाइप्स ऑफ स्पैन, कितने टाइप के स्पैन है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्पैन। एक होता है आपका लोकल स्पैन, एक आपके पास में रिमोट स्पैन, और एक है आपके पास में ER स्पैन। लोकल स्पैन पहले बात कर लेते हैं, लोकल स्पैन क्या है। देखो यार,
एक स्विच है मेरे पास में, यहां पे कुछ पोर्ट्स कनेक्टेड है, मैंने इस पोर्ट को मॉनिटर करना है। इस पोर्ट पे जो भी डेटा ट्रैफिक सेंड रिसीव हो रहा है उसको मैंने क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो ये क्या रहेगा, और एक कॉपी वो स्निफर टूल जो है वो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, मशीन है कनेक्टेड है जहां पे इंस्टॉल्ड है। इस पोर्ट को मैं क्या बनाऊंगा, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट बोथ आर ऑन ए सिंगल स्विच, दैट स्पैन इज कॉल्ड लोकल स्पैन। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों पोर्ट क्या है आपके, एक ही स्विच पे, उसको हम लोग क्या कॉल करेंगे, लोकल स्पैन। आगे बात समझ में। अब बात कर लेते हैं रिमोट स्पैन की। रिमोट स्पैन क्या है, दो स्विचेस है मेरे पास में और इनके बीच में एक यहां पे एक लिंक कनेक्टेड है, और यहां पे एक पोर्ट है और यहां पे एक पोर्ट है। मैंने इस पोर्ट का डेटा ट्रैफिक क्या करना है, कैप्चर मॉनिटर। तो ये वाला पोर्ट तो क्या रहेगा, सोर्स। और जो स्निफर टूल इंस्टॉल कर रखा है वो इस वाले पोर्ट पे, एक मशीन कनेक्टेड है वहां पे इंस्टॉल्ड है। तो इस वाले पोर्ट को मैं क्या बोल दूंगा, डेस्टिनेशन। इस रिमोट इस स्पैन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिमोट स्पैन। अब बात करते हैं ईआर स्पैन की। ईआर स्पैन इज इनकैप्सुलेशन रिमोट स्पैन। ईआर की फुल फॉर्म क्या है, इनकैप्सुलेशन रिमोट स्पैन। अब ईआर स्पैन देखो कहां पे यूज होता है, ये एक स्विच है मेरे पास में और इस स्विच पे ये कुछ लाइन यूजर अटैच्ड है। ये है हमारा एक नेटवर्क कहां पे, एक दिल्ली ऑफिस में स्विच के साथ में लाइन यूजर कनेक्टेड है कुछ, और एक आपका हेडक्वार्टर है बेंगलोर लोकेशन में, वहां पे भी एक स्विच कनेक्टेड रहेगा। ये कौन सी लोकेशन है, बेंगलोर लोकेशन है, और यहां पे भी कुछ मशीन्स कनेक्टेड है, ये भी आपस में कम्युनिकेट कर रही होंगी। अब इनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन करवाना है, तो ये दोनों किससे कनेक्टेड होंगे, राउटर से, और राउटर किससे कनेक्टेड होंगे, आईएसपी से। ठीक है, अब इस बार क्या है, मैंने मॉनिटरिंग करनी है किस पोर्ट की, इस वाले पोर्ट की। तो ये वाला पोर्ट मेरा क्या रहेगा, और मॉनिटरिंग इसकी एक कॉपी भेजनी कहां पे है, अब यहां पे हेडक्वार्टर में एक सर्वर कनेक्टेड है इस वाले पोर्ट पे जहां पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वाले पोर्ट का जो भी डेटा ट्रैफिक इन आउट हो रहा है उसकी मैं कॉपी कहां पे भेजना चाहता हूं, इस हेडक्वार्टर में जो ये पोर्ट है इस वाले पोर्ट पे भेजना चाह रहा हूं। तो ये वाला पोर्ट क्या रहेगा हमारा, डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, और ना यहां पे एक जीआरई टनल के थ्रू, एक जीआरई टनल बनती है, जीआरई टनल के थ्रू क्या होगा, ये यहां पे आपके टनल के थ्रू डेटा जाएगा, यहां पे एक टनल बनेगी, टनल के थ्रू मॉनिटर्ड ट्रैफिक जाएगा आपका सारा का सारा, एक जीआरई टनल बनेगी। जीआरई टनल क्या है वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, इसका प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है यहां पे, ईआर स्पैन का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ इसकी मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपको। ईआर स्पैन का, ईआर स्पैन क्या है, आपका जो सोर्स पोर्ट है वो एक डिफरेंट लोकेशन में है स्विच पे, और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो एक डिफरेंट लोकेशन में है कोई और स्विच पे, और हमने क्या करना है, मॉनिटरिंग कर रही है, कॉपी भेजनी है दूसरे डेस्टिनेशन पोर्ट पे। तो यहां पे इन दोनों के बीच में क्या होगी, एक टनल कॉन्फिगर होगी, टनल के थ्रू मॉनिटर ट्रैफिक जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईआर स्पैन। हाँ, हम लोग लोकल एंड रिमोट स्पैन को प्रैक्टिकली अभी प्रूव करके देख लेंगे वो कैसे यूज करते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं। जो आपका सोर्स पोर्ट रहेगा, सोर्स पोर्ट कैन बी एनी फिजिकल पोर्ट, सोर्स पोर्ट कैन बी एनी एनी फिजिकल पोर्ट, कोई भी फिजिकल पोर्ट हो सकता है, लाइक इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट, या फिर आपका गिग पोर्ट, कोई भी पोर्ट हो सकता है। सोर्स पोर्ट कैन बी वीलैन, सोर्स पोर्ट कैन बी एनी वीलैन, वीलैन भी सोर्स पोर्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, मैंने उन सभी पीसीज, उन सभी मशीन्स का डेटा ट्रैफिक कैप्चर करना है जो
लैन यूजर सेल्स डिपार्टमेंट की है। अब ये नहीं है कि मैं हर एक पोर्ट पे जाऊंगा, जिस पोर्ट पे सेल्स का यूजर कनेक्टेड है उन पोर्ट्स को जाके मैं, आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल पोर्ट्स को भी क्या बोल सकते हो सोर्स। आप देखो सुन लो पहले बात, आप मल्टीपल पोर्ट्स को भी क्या बोल सकते हो सोर्स पोर्ट बोल सकते हो। लेट्स सपोज ये स्विच है मेरे पास में, और इस स्विच पे ये मल्टीपल पोर्ट थे, इन सभी पोर्ट का डेटा मैंने क्या करना था, मॉनिटर करना था, ये मेरे सारे सोर्स पोर्ट बोलना है मैंने। तो आप मल्टीपल पोर्ट्स को क्या बोल सकते हो सोर्स पोर्ट बोल सकते हो। और मॉनिटरिंग करनी कहां पे, यहां पे वो सर्वर अटैच है जहां पे हमने सोलर विंड या वायरशार्क इंस्टॉल कर रखा है, ये मेरा पोर्ट क्या है डेस्टिनेशन। तो एक कॉपी कहां पे जाती रहेगी, इन पोर्ट पे जो भी डेटा इन आउट हो रहा होगा इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे जाती रहेगी। तो मल्टीपल पोर्ट क्या हो सकते हैं सोर्स हो सकते हैं। तो अब हुआ क्या, मैंने उन सभी पोर्ट्स का डेटा ट्रैफिक कैप्चर करना है, मॉनिटर करना है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है। अब ये नहीं है कि मैं एक एक फिजिकल पोर्ट पे जाके अब मैं चेक करूं हां भाई सेल्स के कौन कौन से यूजर, कौन से यूजर कौन कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है, उन हर एक पोर्ट को जाके मैं क्या बोलू सोर्स बोलू। इससे अच्छा आप क्या बोलो, हाँ जो सेल्स डिपार्टमेंट के जितने भी लाइन यूजर है वो लेट्स सपोज VLAN किस में है 10 में है, तो VLAN 10 को आप क्या बोल दो सोर्स, VLAN 10 को आप क्या बोल दोगे सोर्स। तो VLAN 10 में जितने भी पोर्ट्स होंगे उन सबका डेटा क्या होता रहेगा मॉनिटर, और इसकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा वो डेस्टिनेशन पोर्ट। इतनी बात समझ में आ गई। और नॉर्मली जो आप मल्टीपल पोर्ट को क्या बोल रहे हो सोर्स पोर्ट बोल रहे हो, तो इन पोर्ट पे जो भी डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा वो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेज रहा होगा। तो हो सकता है ना इस लिंक पे क्या हो जाए कंजेशन हो जाए। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जो मेरे स्विचेस होते हैं, स्विचेस के ऊपर कुछ इथरनेट पोर्ट होते हैं और कुछ गिग पोर्ट भी होते हैं। फास्ट इथरनेट पोर्ट तो होते ही हैं, साथ में क्या होते हैं गिग पोर्ट, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं अपलिंक पोर्ट। क्या बोल देते हैं अपलिंक पोर्ट। नॉर्मली स्विचेस में अपलिंक पोर्ट आपको 2 और 4 अपलिंक पोर्ट देखने को मिलेंगे गिग पोर्ट। तो आप उस गिग पोर्ट को क्या बना लो डेस्टिनेशन बना लो। बात आ रही है समझ में ना, अरे चीज क्लियर है ये, ताकि उस लिंक पे कंजेशन ना हो, डेटा ट्रैफिक ड्रॉप ना हो, मॉनिटर्ड आपका ट्रैफिक। तो सोर्स पोर्ट आपका कोई भी फिजिकल पोर्ट हो सकता है, कोई भी VLAN हो सकता है, और सोर्स पोर्ट आपके सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्लियर। और सोर्स पोर्ट कैन बी एनी पोर्ट चैनल, इट कैन बी एनी पोर्ट चैनल। एक मैंने फिजिकल पोर्ट को, आप लोगों ने पोर्ट चैनल के बारे में सुना है ना, ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करते हो तो फिजिकल लिंक को आप एग्रीगेट करवा के एक लॉजिकल लिंक बना लेते हो पोर्ट चैनल। उस पोर्ट चैनल को भी आप क्या बोल सकते हो सोर्स पोर्ट। ठीक है, तो मैं उस पोर्ट चैनल को सोर्स पोर्ट बोल रहा हूं। तो उस पोर्ट चैनल पे जितने भी फिजिकल लिंक है उन लिंक पे जो भी डेटा आपका सेंड रिसीव हो रहा होगा, जो भी आपने डायरेक्शन डिफाइन करी है उसकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा वो डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजता रहेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। इट कैन बी एनी पोर्ट चैनल। और क्या, ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, डेस्टिनेशन पोर्ट की। डेस्टिनेशन पोर्ट भी सिंगल हो सकता है और मल्टीपल हो सकते हैं। अब देखो ये मेरे 2 डेस्टिनेशन पोर्ट बोल दिए मैंने, इन दोनों पोर्ट्स को क्या बोल दिया मैंने डेस्टिनेशन पोर्ट, और ये कुछ पोर्ट्स हैं मेरे, क्या है ये सोर्स पोर्ट। तो अब क्या होगा, इन पोर्ट्स पे जो भी डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा डेस्टिनेशन पोर्ट पे ना। अब ये नहीं है कि आधा डेटा ट्रैफिक यहां पे और आधा ट्रैफिक यहां पे, नहीं, एज इट इज एक कॉपी इस पे भी और एक कॉपी इस पे भी। 2 सर्वर अटैच कर लेंगे, अगर ये क्रैश भी हो जाता है इसकी हार्ड ड्राइव वगैरह तो दूसरा बैकअप पड़ा है मेरे पास में। समझ में आ रही है ना बात। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेस्टिनेशन भी बोल सकते हो, बट कॉपी ये नहीं है कि वो लोड शेयरिंग नहीं करेगा वो, अरे लोड बैलेंसिंग है, ऐसा कुछ नहीं है कि आधा ट्रैफिक एक पे आधा ट्रैफिक एक पे, सेम कॉपी भेजेगा दोनों पोर्ट पे। तो इट कैन बी एनी, इट कैन बी एनी फिजिकल पोर्ट, कोई भी फिजिकल पोर्ट हो सकता है आपका, इथरनेट फास्ट इथरनेट गिग पोर्ट हो सकता है आपका। ठीक है, इट कैन नॉट बी VLAN, इट कैन नॉट बी एनी लॉजिकल पोर्ट, लॉजिकल पोर्ट नहीं हो सकता सोर्स पोर्ट।
कि मैं पोर्ट चैनल को क्या बोल दूं, सॉरी डेस्टिनेशन बोल दूं। डेस्टिनेशन आप पोर्ट चैनल को नहीं बोल सकते, आप फिजिकल पोर्ट को बोल सकते हो। डेस्टिनेशन आप वीलैन को नहीं बोल सकते, आप किसको बोलना पड़ेगा, फिजिकल पोर्ट को डेस्टिनेशन पोर्ट बोलना पड़ेगा। इतनी चीज क्लियर है? एक और लाइन लिख लेना इसमें, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी लेयर टू प्रोटोकॉल। ये लेयर टू प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन सा पोर्ट? डेस्टिनेशन पोर्ट। मतलब ये डेस्टिनेशन पोर्ट पे ना ही एसटीपी काम कर रहा होगा, ना ही डेस्टिनेशन पोर्ट पे एसटीपी मैसेज आएंगे, ना ही बीटीपी, ना ही डीटीपी, ना ही डीटीपी मैसेज आएंगे। बीटीपी तो वैसे भी अब ये लेयर टू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ना ही एक्सेस पोर्ट होगा, ना ही ये ट्रंक पोर्ट होगा। अरे लेयर टू में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इट मींस दिस पोर्ट इज नॉट स्विच पोर्ट। ये स्विच पोर्ट नहीं है, ये लेयर टू पोर्ट नहीं रहेगा आपका। इस पोर्ट का जो यूज रहेगा वो अब सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पज के लिए रहेगा। इस पोर्ट से कोई डेटा सेंड रिसीव नहीं हो पाएगा। कि आप बोलो डेस्टिनेशन पोर्ट पे एक लैन यूजर कनेक्टेड है, उसकी आईपी को मैं पिंग कर सकूं या इसका मैं डेटा एक्सेस कर पाऊं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जिस पोर्ट पे कोई मशीन कनेक्टेड है उसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं एक्सेस कर पाओगे? उस पोर्ट पे अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्रैफिक जाएगा? मॉनिटर्ड ट्रैफिक जाएगा, नॉर्मल ट्रैफिक नहीं जाएगा। ना ही कोई लेयर टू प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट करेगा वो, इवन वो कोई वीलैन का भी मेंबर नहीं होगा। शो वीलैन ब्रीफ के अंदर भी वो आपको पोर्ट शो नहीं करेगा, इवन वीलैन वन का भी मेंबर नहीं दिखाएगा वो। उसका लाइन प्रोटोकॉल भी क्या दिखा रहा होगा? डाउन। क्यों दिखा रहा होगा? लेयर टू में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, कीप अलाइव काम ही नहीं करेंगे वहां पे। कोई सीटीपी मैसेज नहीं जाएंगे उसके ऊपर, कोई डीटीपी मैसेज नहीं जाएगा, वो लेयर टू प्रोटोकॉल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। बात आगे समझ में। और जो डेस्टिनेशन पोर्ट है उस पोर्ट पे ट्रैफिक सिर्फ आउट हो सकता है, इन नहीं हो सकता। लैन यूजर अगर कोई डेटा ट्रैफिक भेजना चाह रहा है, वो ट्रैफिक रिसीव नहीं करेगा, डिस्कार्ड करता रहेगा जो पोर्ट आपका डेस्टिनेशन है। और डेस्टिनेशन पोर्ट पे सिर्फ डेटा ट्रैफिक क्या हो सकता है? आउट। और कौन सा ट्रैफिक आउट हो सकता है? सिर्फ मॉनिटर्ड ट्रैफिक ही जाएगा, आउट होगा उस पे। क्लियर है? तो वहां पे आपको इनग्रेस क्या दिखा रहा होगा? डिसेबल। इग्रेस में वर्क करेगा वो, आपका ट्रैफिक आउट हो रहा होगा, बट इनग्रेस में क्या होगा? इनग्रेस उसके लिए क्या होगी? डिसेबल। बात आगे समझ में। क्लियर है इतनी चीज? अब एक काम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे किसके बारे में? सोर्स पोर्ट के बारे में। और हाँ, अब लेट्स सपोज एक पोर्ट मेरा एक फिजिकल पोर्ट है जो कोई पोर्ट चैनल का मेंबर है, और उस पोर्ट को जाके अगर मैं डेस्टिनेशन पोर्ट बोल देता हूं, तो अब क्या होगा? वो पोर्ट अब उस पोर्ट चैनल का मेंबर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वो लेट हुए में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। अब बात आ रही है ना समझ में? क्लियर है ना इतनी चीज? तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकली प्रूव करके देख लेते हैं। पहले आपको मैं लोकल स्पैन दिखा देता हूं, देन रिमोट स्पैन। तो लोकल स्पैन के लिए मैं एक स्विच वन अटैच कर लेता हूं यहां पे, और स्विच वन पे मैं ये चार राउटर अटैच कर रहा हूं, आर वन, आर टू, आर थ्री एंड आर फोर। आईपी इज 10.1 डॉट टू डॉट थ्री डॉट फोर। अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोकल स्पैन के बारे में, ठीक है? तो स्विच वन हमारे पास में ऑलरेडी एक्सेस हो रखा है, हम लोग राउटर्स को एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, आर वन ये हो जाएगा, फिर इसको मैं स्विच वन ही रखता हूँ, नहीं तो आउटपुट थोड़ा गलत दिखेगा बार बार। तो मैं ये R1 एक्सेस कर रहा हूँ, R1 क्लियर लाइन 33, R1 R3 क्लियर लाइन 35, R3 R3
आर फोर आर थ्री नहीं एक्सेस किया गया मैंने, पहले मैंने आर वन किया था क्या, फिर मैंने आर टू किया है, अरे कौन सा एक्सेस किया है सर, आर वन आर थ्री आर टू आर टू नहीं किया, ये कौन सा है, अब मुझे नहीं पता कौन सा है, ये देखो आर टू क्लियर लाइन 34 आर टू और अब आर थ्री मैं एक्सेस कर लेता हूँ, आर थ्री नहीं किया हुआ मैंने, क्लोज कर दिया उसको, आर थ्री एंड आर फोर, आर फोर क्लियर लाइन 36 आर फोर। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आर वन पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस 10.1.1.1 होस्ट नेम इज, आर टू पे आ जाओ, आर टू इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेस 10.1.1.2 सिनो शटडाउन सिनो आईपी राउटिंग नो आईपी राउटिंग और क्या करना था बस, आर थ्री पे चल लो, होस्ट नेम इज आर थ्री इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 से आईपी एड्रेसेस 10.1.1.3 सिनो शटडाउन सिनो आईपी राउटिंग, लास्ट वाले डिवाइस पे आ जाओ आर फोर पे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 आईपी एड्रेसेस IP addresses 10.1.1.4.255.255.0 सेनो शटडाउन सेनो आईपी आईपी। मैं स्विच वन पे चलता हूँ और स्विच वन पे चारों डिवाइसेस आपको शो करने चाहिए, शो सीडीपी नेबर में आर टू आर थ्री आर वन एंड आर फोर, सारे डिवाइसेस अटैच दिखा रहे हैं हमें। अब मैंने मॉनिटरिंग करनी है, मैं पहले आपको इस पोर्ट को मैं क्या बोल दूंगा, सोर्स पोर्ट, और इसकी एक कॉपी कहां पे भेजनी है, इस वाले डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजनी है, और यहां पे हम लोग कोई लैन यूजर अटैच करेंगे जहां पे आपने वाईएसआर इंस्टॉल कर रखा होगा, जहां पे आप उसको क्या करोगे, कैप्चर करोगे। अब खुद से प्रैक्टिकल करके देख लेना, मैं यहां पे कैसे आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा वो अभी देख लेना, अब मैं यहां पे कैप्चर करके नहीं दिखा सकता आपको, इसके लिए मुझे रैक पे जाना पड़ेगा, फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आप खुद से करना अभी आज क्लास के बाद में, ठीक है। मैं आपको यहां पे कैसे प्रूफ करके दिखाऊंगा वो देख लो, मैं स्विच वन पे चलता हूं और एक अभी मैं सिर्फ खाली एक सिंगल पोर्ट को मॉनिटर कर रहा हूं, मैं बोलूंगा मॉनिटर सेशन और सेशन नंबर आपका बिटवीन 1 to 66 कोई भी दे सकते हो, मैंने नंबर क्या यूज कर लिया 10। और सोर्स पोर्ट, सोर्स कौन सा, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0x1 वाले लिंक को मैंने कैप्चर करना है। अब यहां पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, बोथ रिसीविंग ट्रैफिक के लिए और ट्रांसमिट ट्रैफिक के लिए, मैं क्या बोल देता हूं बोथ, इस पोर्ट पे जो भी डेटा ट्रैफिक इन और आउट हो रहा होगा दोनों को मैंने क्या करना है मॉनिटर। और अब आपने क्या डिफाइन करना है, डेस्टिनेशन पोर्ट मॉनिटर सेशन, सेशन नंबर विल बी सेम, सेशन नंबर डिफरेंट नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। और डेस्टिनेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1x0x4 वाले पोर्ट पे मैंने क्या करनी है मॉनिटरिंग, मतलब जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो मेरा क्या है, पोर्ट नंबर 0x4। लिख लिया, चेक करवाऊं, देखो ये देखो, शो मॉनिटर सेशन, सेशन नंबर क्या था, सेशन नंबर इज 10। इस सेशन में देख लो आपने सोर्स पोर्ट किसको बोल रखा है, 0x1 को, वेरिफिकेशन कमांड है ये तुम्हारे, 0x1 को बोल रखा है। डेस्टिनेशन पोर्ट इज, इनकैप्सुलेशन के बारे में भी बताऊंगा, इनकैप्सुलेशन क्या है, अभी यहां पे नेटिव दिखा रहे हैं, और इनग्रेस क्या बता रहा है किस वाले पोर्ट पे,
डेस्टिनेशन पोर्ट पे, मतलब इनग्रेस इस वाले पोर्ट पे कोई डेटा इन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। और अब देखो स्विच वन पे चलो, स्विच वन पे मैं तुम्हें शो विलन ब्रीफ के अंदर डेस्टिनेशन पोर्ट मैंने बताया था, डेस्टिनेशन पोर्ट विल नॉट एंटरटेन फॉर लेयर टू प्रोटोकॉल। देख लो यहां पे 0/4 पोर्ट, कोई विलन का मेंबर ही नहीं है। शो इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 1/0/4 पोर्ट की अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो यहां पे लाइन प्रोटोकॉल भी क्या दिखा रहा है, मॉनिटरिंग पर्पज के लिए यूज हो रहा है ये पोर्ट। बात आ रही है समझ में? तो इसका लाइन प्रोटोकॉल भी आपको क्या दिखा रहा होगा, डाउन। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक काम करेंगे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो बात करते हैं। मैं काम करूंगा, मैं इस डिवाइस से इस डिवाइस को मैं कुछ आईसीएमपी पैकेट भेजूंगा, मैं 100 नंबर ऑफ पैकेट भेज रहा हूं, तो 100 पैकेट इस पोर्ट पे क्या होंगे इन, एक और रिक्वेस्ट आएंगी ना वो इस पोर्ट पे भेज देगा, और ये एक और रिक्वेस्ट का क्या करेगा रिप्लाई, तो इस वाले पोर्ट से 100 पैकेट क्या हो रहे होंगे आउट। तो इस पे आप देख सकते हो कि इस वाले पोर्ट पे कितने पैकेट इन और आउट हुए हैं, कितने हुए टोटल 100 इन 100 आउट, कितने हो गए टोटल 200। अगर इस वाले पोर्ट पे आपको शो करता है कि 200 पैकेट आउट हो रहे हैं तो प्रूव हो जाएगा ना एक कॉपी इस वाले पोर्ट पे जा रही है, और यहां पे आपने वो कैप्चरिंग टूल क्या कर रखा होगा वायरशार्क इंस्टॉल कर रखा होगा, उसको अगर आपने ओपन कर रखा है तो आपको यहां पे दिखा देगा। आप लैब में जाके आप खुद से इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके देख सकते हो, अपना लैपटॉप खुद से कनेक्ट कर लेना उसको। समझ में आ रही है ना बात? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक चीज दिखा देता हूं, शो मैं एक क्लियर करता हूं, क्लियर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/ क्लियर काउंटर्स, क्लियर काउंटर्स क्लियर कर रहा हूं मैं, किसके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 वाले पोर्ट के, वन वाले पोर्ट के, 0/2 पोर्ट के, 0/3 पोर्ट के, और 0/4 पोर्ट के, काउंटर्स क्लियर किया मैंने। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 पोर्ट पे आपको कितने पैकेट इन हुए हैं और कितने पैकेट आउट हुए हैं वो दिखा रहे हैं, और सेम इंफॉर्मेशन मैं 0/4 पोर्ट की दिखा देता हूं, कितने पैकेट इन हुए हैं और कितने आउट हुए हैं। इन तो एक ही नहीं हो रहा क्योंकि इनग्रेस क्या है इस पे डिसेबल्ड, आउट कितने हो रहे हैं, एक पैकेट अभी आउट हुआ है। अरे वो कोई कुछ मैसेजेस हैं तुम्हारे, जैसे एक मैसेज होता है तुम्हारा सीडीपी का, सीडीपी का मैसेज भी नहीं जा रहा होगा इसके ऊपर, कोई और ही मैसेज आ रहा होगा। अरे बहुत सारा डेटा ट्रैफिक जा रहा है यहां पे, सीडीपी का मैसेज भी नहीं जाएगा इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे। एक्चुअली किसका ट्रैफिक जा रहा है, इन पोर्ट्स पे जो डेटा इन हो रहा है ना उसकी एक कॉपी जा रही है यहां पे। तो इस वाले पोर्ट पे कोई ना कोई पैकेट इन और आउट हो ही रहा होगा, जिसकी एक कॉपी कहां पे भेज रहा है। अब मैं काम करता हूं, मैं इस लैन यूजर से इस लैन यूजर को आईसीएमपी पैकेट भेजता हूं कुछ, R1 पे गया मैं और R1 से मैंने पिंग किया किसको 10.1.1.2 को, मैंने रिपीट पिंग भेजे, मैंने 1000 नंबर ऑफ पैकेट भेजे। तो इस इंटरफेस पे अराउंड 1000 पैकेट क्या हुए होंगे इन और 1000 पैकेट क्या हुए होंगे आउट, तो टोटल कितने हो गए 2000। मैंने बोला था बोथ डायरेक्शन डिफाइन करी थी और दोनों की एक कॉपी कहां पे भेज देगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। पहले मैं काउंटर्स दिखा देता हूं, शो 0/1 का, 0/1 पे देखना अराउंड 1000 पैकेट क्या हुए हैं इन और 1000 अराउंड पैकेट क्या हुए हैं आउट, टोटल कितने हो गए 2000। और 0/4 पोर्ट पे अगर काउंटर आपको 2000 दिखा रहा है आउटपुट में, प्रूफ हो गया ना एक कॉपी पोर्ट पे भेज रहे हैं, और यहां पे आपने वो कैप्चरिंग टूल इंस्टॉल कर रखा होगा, वो सारा का सारा डेटा ट्रैफिक क्या होता रहेगा कैप्चर। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अब एक काम करते हैं, मल्टीपल पोर्ट को सोर्स पोर्ट बोल के दिखाऊं, मल्टीपल पोर्ट कैसे सोर्स पोर्ट बोल सकते हो? पहले वो मॉनिटर सेशन हटा दूं, मैं 10 बनाया हुआ था मैंने उसको क्या कर दिया, मैं दोबारा एक मॉनिटर सेशन बनाता हूं, इस बार नंबर 20 दे दिया मैंने। सोर्स पोर्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1 कहां तक बोलना है, 3 तक बोल दूं या 2 तक बोल दूं, बहुत है। हाइफन पोर्ट नंबर कौन सा है सामने वाला, एक और पोर्ट है ना 2, और डायरेक्शन क्या डिफाइन करनी है बोथ। अब दो पोर्ट है 0/1 है और 2 है, मल्टीपल पोर्ट डिफाइन कर रहा हूं मैं, और मॉनिटर सेशन नंबर 20 में इस बार मैं क्या बोलता हूं, डेस्टिनेशन किसको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4 को मैंने क्या बोल दिया फिर से डेस्टिनेशन, और इस बार देखो क्लियर, मैं काउंटर क्लियर कर दूं पहले क्या, अरे अच्छे से आउटपुट दिख जाएगा।
मैंने सारे काउंटर क्या कर दिए क्लियर, और अब मैं क्या करूंगा फिर से ये दोनों पोर्ट क्या है मेरे सोर्स और ये वाला पोर्ट क्या है डेस्टिनेशन, तो मैं इस यूजर से इस यूजर को 1000 पैकेट भेजूंगा, तो 2000 पैकेट इस पोर्ट से इन आउट हो रहे होंगे और 2000 पैकेट इस वाले पोर्ट से क्या हो रहे होंगे इन आउट हो रहे होंगे ना। अरे एक और रिक्वेस्ट आएगा रिप्लाई आएगी, इन दोनों की एक कॉपी कहां पे भेज देगा, तो इसको आउटपुट में कितना दिखाना चाहिए काउंटर्स में 4000 तो प्रूफ हो जाएगा ना। चल लो किस पे शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4 हो गया प्रूफ। आगे बात समझ में, ये था लोकल स्पैन, इसको हटा दूं, नो मॉनिटर सेशन नंबर, नंबर क्या बता दूं 20। आप इवन ट्रंक पोर्ट को भी क्या बोल सकते हो सोर्स पोर्ट बोल सकते हो। लेट्स सपोज यहां पे मेरे पास में एक ट्रंक पोर्ट है, ये वाला पोर्ट क्या है ट्रंक पोर्ट है, इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं सोर्स पोर्ट बोल सकता हूं, इसको भी हम लोग सोर्स पोर्ट बोल सकते हैं, और इसको मैंने क्या बोल दिया डेस्टिनेशन। तो इस ट्रंक पोर्ट पे जो भी आपका डेटा ट्रैफिक इन आउट हो रहा होगा इसकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा, ये ट्रंक पोर्ट पे भेजता रहेगा, सॉरी डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजता रहेगा। बट एक प्रॉब्लम है यहां पे, अभी प्रॉब्लम क्या है, इस ट्रंक पोर्ट पे और भी तो मैसेजेस आ रहे होंगे, लाइक स्पैनिंग ट्री के मैसेजेस हैं, लाइक डीटीपी के मैसेजेस हैं, है ना, तो इसकी एक कॉपी डेस्टिनेशन पे नहीं भेजने वाला, जो आपके मैसेजेस जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से मैसेजेस की इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, जो आपके लेयर जिनके साथ में टैग सेट होके जा रहा है, इस ट्रंक पोर्ट पे जो भी डेटा सेंड रिसीव हो रहा होगा इसकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा ट्रंक पोर्ट पे ना। नॉर्मल डेटा ट्रैफिक तो जाएगा, बट जैसे स्पैनिंग ट्री के जितने भी मैसेजेस हैं उनके साथ में डॉट वन क्यू का टैग लग के जाएगा ना, तो इसकी एक कॉपी इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे नहीं भेज रहा होगा, केवल तो नॉर्मल डेटा ट्रैफिक होगा जिनके साथ में डेटा जिनके साथ में टैग सेट होके जाएगा उनके कॉपी फॉरवर्ड नहीं करेगा, जिनका डॉट जिनके साथ में डॉट वन क्यू का टैग लगा होगा ट्रंक पोर्ट पे जो भी डेटा इन आउट हो रहा है और जिनके साथ में ISR या डॉट वन क्यू का क्या सेट है टैग, उसकी एक कॉपी फॉरवर्ड नहीं करेगा किस पोर्ट पे डेस्टिनेशन पोर्ट पे। अगर आप चाहते हो डेस्टिनेशन पोर्ट पे एक कॉपी फॉरवर्ड करे, आपका जो इनकैप्सुलेटेड डेटा है जिसको किसने इनकैप्सुलेट किया है, या फिर ISR प्रोटोकॉल ने या फिर डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल ने, जो किस पे जा रहा है ट्रंक पोर्ट पे इन आउट हो रहा है, उसकी भी एक कॉपी कहां पे फॉरवर्ड करे वो डेस्टिनेशन पे, तो आप बोल सकते हो उसको क्या मॉनिटर सेशन, लेट्स सपोज 0/30 सोर्स पोर्ट इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0 लेट्स सपोज 21 लिंक बना गया है सोर्स है और मान लेते हैं ट्रंक पोर्ट है, तो इस ट्रंक पोर्ट पे जो भी डेटा इन आउट हो रहा होगा इसकी एक कॉपी कहां पे भेज देगा डेस्टिनेशन पे, बट जो डेटा ट्रैफिक मेरा इनकैप्सुलेटेड है किससे ISL से और डॉट वन क्यू से, उनकी एक कॉपी डेस्टिनेशन पे नहीं भेजेगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहते हो उसको भेजे तो मॉनिटर सेशन नंबर इज 30 डेस्टिनेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4 मैं खाली इंटरफेस कर रहा था, अब आप क्या बोलोगे यहां पे इनकैप्सुलेशन या फिर आप क्या बोल सकते हो रेप्लिकेट, तो क्या हो जाएगा जो भी ट्रंक पोर्ट पे इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जो भी यूज हो रहा है चाहे ISL यूज हो रहा है चाहे डॉट वन की, उसकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा, अरे जो सोर्स पोर्ट पे आपने प्रोटोकॉल क्या बोला है। अब ऐसा भी तो हो सकता था ना मेरे सोर्स पोर्ट दो हो, दो ट्रंक पोर्ट को मैंने क्या बोल रखा है सोर्स, अरे मल्टीपल पोर्ट को क्या बोल सकते हो सोर्स पोर्ट बोल सकते हो ना, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये दो पोर्ट है मेरे सोर्स, ये भी क्या है मेरा सोर्स पोर्ट है और ये भी क्या है ट्रंक पोर्ट है, ये दोनों ट्रंक पोर्ट है और एक पे तो इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल हमने यूज कर रखा है कौन सा ISL और एक पे हमने कौन सा यूज कर रखा है डॉट वन क्यू, तो फिर कौन से वाले, अब मैं यहां पे इनकैप्सुलेशन क्या डिफाइन कर रहा हूं, इस पे कॉपी कौन सी भेज दे मैं यहां पे क्या बोलूंगा उस केस में
रेप्लीकेट। तो ISL और डॉट वन क्यू का दोनों का ट्रैफिक भेजना कहां पे स्टार्ट कर देगा? इस वाले जो डेटा ट्रैफिक इनकैप्सुलेटेड है किससे? ISL से एंड डॉट वन क्यू से। तो इसकी एक कॉपी कहां पे भेजना स्टार्ट कर देगा? तो अब इस ट्रांसपोर्ट से नॉर्मल आपके मैसेजेस आ रहे होंगे, जैसे स्पेनिंग ट्री के BPDU आ रहे होंगे। BPDU को मैंने क्या करना, कैप्चर करना है। तो BPDU बाकी भी रेंज के जितने भी BPDU आ रहे होंगे डॉट वन क्यू से, या फिर आप ISL प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो जितने भी नंबर ऑफ विलेन है सबका जो BPDU जाएगा उनके सबके साथ में क्या सेट होगा? एक टैग सेट होगा। किसका? ISL का। तो डेस्टिनेशन पोर्ट पे उसके कॉपी फॉरवर्ड करेगा नॉर्मली, नहीं आपको इनकैप्सुलेशन बतानी पड़ेगी आपको क्या ISL, या फिर आप क्या बोल दोगे रेप्लिकेट। तो इस वाले पोर्ट पे भी एक उस BPDU मैसेज की कॉपी जो इस ट्रांसपोर्ट पे जा रहा है, जो भी डेटा सेंड रिसीव हो रहा है, इसकी कॉपी कहां पे भेजता रहेगा? इस डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेजता रहेगा। तो आप वहां पे BPDU मैसेजेस को भी क्या कर सकते हो, जो उस ट्रांसपोर्ट पे सेंड रिसीव हो रहे हैं उनको भी मॉनिटर कर सकते हो आप। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है ना इमेजेस? अरे समझ में आई बात? तो इस इंटरफेस पे डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इनकैप्सुलेशन, और इस इंटरफेस पे भी डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। तो जो डॉट वन क्यू प्रोटोकॉल है जिन मैसेजेस को क्या कर रहा है, इनकैप्सुलेट कर रहा है, उनकी एक कॉपी इस पोर्ट पे नहीं भेज रहा होता नॉर्मली वो। तो आपको यहां पे इनकैप्सुलेशन साथ में बतानी पड़ेगी कि जो आपका इनकैप्सुलेटेड डेटा है ISL या डॉट वन क्यू के थ्रू, उसकी भी एक कॉपी ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड करता रहे, सॉरी डेस्टिनेशन पोर्ट पे फॉरवर्ड करता रहे। क्लियर है ये चीज? कमांड देख लो। इनकैप्सुलेशन में मैं यहां पे क्या बोल दूंगा? डॉट वन क्यू। नहीं तो आप क्या बोल सकते हो यहां पे? ISL। अदरवाइज क्या बोल सकते हो आप यहां पे? रेप्लीकेट बोल दोगे तो कोई भी हो उसी को यूज कर लेगा वो। क्लियर? आगे बात समझ में? ये था आपका लोकल स्पैन। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में? रिमोट स्पैन के बारे में। रिमोट स्पैन कैसे काम करता है? शो है? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? यहाँ पे कोई क्लास तो है नहीं? नो मॉनिटर सेशन नंबर कौन सा था? अरे इस वीडियो में सब कुछ कैप्चर हो जाएगा ना, फिर एक के लिए फिर समझ रहे हो ना मेरी बात? अब रिमोट स्पैन बता देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं है इसमें, सेम है। पोर्ट नंबर इस 0/21। इस लिंक को हम लोग क्या बनाएंगे? पहली बात तो ये ट्रंक लिंक बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास में स्विच वन है एंड दिस स्विच इज स्विच टू। R1 अटैच कर लेंगे यहां पे, R2 अटैच कर लेंगे एंड R3 अटैच कर लेंगे। पोर्ट नंबर R 0/1, 0/2, 0/3, और R4 को मैं कनेक्ट कर लूंगा किससे? स्विच 4 पे 0/4 पोर्ट पे, एंड दिस पोर्ट विल बी 0/1। दिस पोर्ट्स आर 0/0। तो मैं R4 पे चलता हूं पहले, तो और R4 पे जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को तो मैं क्या कर देता हूं, शटडाउन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को तो क्या कर दो? शटडाउन। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 को क्या बोल दो? नो शटडाउन। तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? स्विच 2 से। ये तो ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से। इसका मैंने 0/0 पोर्ट जो स्विच 1 से कनेक्टेड था वो मैंने क्या कर दिया? शटडाउन। और इन दोनों स्विचेस के बीच में शो इंटरफेस ट्रंकिंग फॉर्म वर्क किया। 21 पोर्ट ट्रंक पोर्ट है ऑलरेडी, है ना? तो अब मैंने क्या करना है? कोई भी एक पोर्ट को बोल दू सोर्स पोर्ट। क्या इस वाले पोर्ट को मैं क्या बोल देता हूं? सोर्स। और ये वाला पोर्ट क्या रहेगा? डेस्टिनेशन। मतलब इस वाले पोर्ट पे जो भी डेटा सेंड रिसीव हुआ है कॉपी कहां पे जानी चाहिए? डेस्टिनेशन पोर्ट पे जानी चाहिए। तो मैं स्विच 1 पे चलता हूं पहले। शो विलेन, कोई कुछ विलेन बने हुए हैं यहां पे, उन विलेन को हटा रहा हूं यहां पे। नो विलेन 1, 2, 4, 0, 9, 4। विलेन रिमूव्ड। शो विलेन रिमूव, सॉरी शो विलेन ब्रीफ। विलेन रिमूव्ड। स्विच 2 पे भी कोई विलेन नहीं होगा फिलहाल। शो विलेन ब्रीफ, देखना कोई विलेन नहीं है, नहीं है ना? अब हम लोग क्या करेंगे यहां पे, एक स्पैन कॉन्फिगर करेंगे क्या? अब देखो स्पैन किस तरह से कॉन्फिगर करोगे। इस वाले पोर्ट को मैंने क्या बोल दिया? सोर्स।
जैसे इस पोर्ट पे जो भी डेटा सेंड रिसीव होगा, एक कॉपी कहां पे भेज देनी चाहिए इसको, डेस्टिनेशन पोर्ट पे भेज देनी चाहिए ना। अब डेस्टिनेशन पोर्ट तो इस स्विच पे तो है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे, इस स्विच पे एक आपको रिमोट स्पैन विलन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? रिमोट स्पैन विलन, रिमोट स्पैन विलन। और रिमोट स्पैन विलन किसी को भी बना लिया, मैंने बना लिया विलन 200 को, इसको बना लिया विलन 200 को। और जो ये रिमोट स्पैन विलन रहेगा इसमें कोई पोर्ट नहीं होगा, अरे इस विलन में कोई पोर्ट नहीं ऐड करोगे आप, होगा भी नहीं, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पे इस वाले पोर्ट को मैंने क्या बोल दिया, सोर्स पोर्ट, और यहां पे इस रिमोट स्पैन विलन को मैं क्या बोल दूंगा, डेस्टिनेशन। क्या बोल दूंगा मैं, डेस्टिनेशन। तो जो कॉपी इस पोर्ट पे, इस सोर्स पोर्ट पे इन और आउट हो रही होगी, एक कॉपी किसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा, डेस्टिनेशन, जो रिमोट स्पैन विलन है उसकी तरफ फॉरवर्ड करेगा। तो एक कॉपी कहां पे आ जाएगी, इस पोर्ट की तरफ आ जाएगी, इस पोर्ट की तरफ भेजेगा, विलन की तरफ फॉरवर्ड करेगा, किसकी तरफ, विलन 100 की तरफ, 200 की तरफ। विलन 200 में कोई पोर्ट है क्या, इस विलन में तो कोई पोर्ट होगा नहीं, तो एक कॉपी बाकी कोई पोर्ट पे तो जाएगी नहीं, बट एक कॉपी इसकी एक ट्रंक पोर्ट पे तो जाएगी। अरे एक कॉपी किसकी तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, विलन 200 की तरफ, विलन 200 यहां पे क्या है हमारा, डेस्टिनेशन पोर्ट है ना। एक कॉपी 200 विलन की तरफ भेजेगा, विलन अब नॉर्मली कोई एक कॉपी विलन की तरफ जा रही होती है तो उस विलन में जितने भी नंबर ऑफ पोर्ट होंगे उस पोर्ट पे एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा। अब यहां पे तो पोर्ट में, इस विलन में कोई पोर्ट है नहीं, तो अब ये क्या करेगा, एक कॉपी कौन से पोर्ट की तरफ भेज देगा, ट्रंक पोर्ट पे, और टैग लगाएगा किसका, जो डेटा सेंड रिसीव इस पोर्ट पे हुआ है उसकी एक कॉपी रिमोट स्पैन विलन 200 की तरफ भेजेगा। विलन 200 में कोई पोर्ट तो है नहीं, तो एक कॉपी ट्रंक पोर्ट पे भेजेगा उसकी कैप्चर्ड ट्रैफिक की, और उसके साथ में क्या लगा देगा, एक टैग लगा देगा, किसका, विलन 200 का। एक और चीज ध्यान में रखना, इस ट्रंक पोर्ट पे ये स्पैन विलन ट्रंक अलाउड विलन लिस्ट से रिमूव नहीं होना चाहिए। वीटीपी प्रूनिंग याद है तुम लोगों को, वीटीपी प्रूनिंग में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, अगर विलन 200 में कोई लैन यूजर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इन पोर्ट से वो विलन 200 क्या हो जाता था, अलाउड विलन लिस्ट से, तो लिस्ट में तो दिखाता था एसटीपी की फॉरवर्डिंग स्टेट से क्या हो जाता था, हट जाता था ना, तो उसका डेटा यहां से कैरी नहीं करता था ना। तो याद है मैंने एबीटीपी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट से एक विलन को रिमूव करवाया था ताकि ऑटोमेटिकली उस पोर्ट पे वो विलन ऐड या रिमूव एसटीपी की फॉरवर्डिंग स्टेट से ऑटोमेटिकली ना हटे, याद है, तो इसीलिए किया था। तो कौन से विलन को आप वीटीपी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट में ऐड नहीं करोगे, जो मेरे स्पैन विलन होंगे, कौन से विलन होंगे, स्पैन विलन। अगर स्पैन विलन वीटीपी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट में होंगे तो यहां पे विलन 100 में, विलन 200 में कोई लाइन यूजर तो है नहीं, तो इस वाले पोर्ट से ऑटोमेटिकली विलन 200 क्या हो जाएगा, एसटीपी की फॉरवर्डिंग स्टेट से रिमूव, तो उसका विलन का डेटा तो कैरी नहीं करेगा 200 का। और यहां से विलन 200 का डेटा कैरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर तो मेरा स्पैन ट्रैफिक जा रहा है, बात आ रही है ना समझ में। तो वीटीपी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट में भी ये क्या होना चाहिए, स्पैन विलन आपका ऐड होना चाहिए, पता चले आपने वहां से उसको रिमूव कर रखा है। सारी चीजें ट्रबल शूटिंग में आप फेस कर सकते हो एक रियल नेटवर्क में, समझ में आ रही है ना बात। तो ये विलन 200 का टैग लगाएगा, और सेम विलन आपने कहां पे बना रखा होगा, सेम स्पैन विलन आपने यहां पे बना रखा होगा 200, और यहां पे आप स्पैन विलन किसको, ये स्पैन विलन जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, सोर्स। तो जैसे ही इस ट्रंक पोर्ट पे ये डेटा रिसीव होगा, ये टैग रिमूव करेगा विलन 200 का, इसको पता चल गया जो डेटा बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, विलन 200 से बिलोंग कर रहा है, और विलन 200 यहां पे क्या है, स्पैन विलन है हमारा, और स्पैन विलन यहां पे क्या है, सोर्स, मतलब इस सोर्स से जो भी डेटा आ रहा है इसकी कॉपी कहां पे भेज देगा, डेस्टिनेशन पोर्ट को, डेस्टिनेशन पोर्ट यहां पे क्या है, 0/4, और यहां पे हमने वो स्नैपर टूल इंस्टॉल कर रखा होगा, कैप्चरिंग टूल, वो सारा का सारा डेटा आपका क्या होता रहेगा, कैप्चर होता रहेगा। आगे बात समझ में क्लियर है ये चीज। अरे वीटीपी प्रूनिंग एलिजिबिलिटी लिस्ट याद आई कि अगर यहां पे कोई विलन 200 में लाइन यूजर नहीं है तो ऑटोमेटिकली इस पोर्ट से एसटीपी की फॉरवर्डिंग स्टेट से विलन 200 क्या हो जाता था, रिमूव।
तो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव ना करे वो एसटीपी की फॉरवर्डिंग स्टेट से, अगर रिमूव कर दिया तो विलन 200 का डेटा कैरी करेगा नहीं, स्पैन ट्रैफिक आएगा नहीं यहां पे, तो इसलिए हम लोग एलिजिबिलिटी लिस्ट से हम लोग क्या करते थे उसको हटा देते थे, तो हटाना पड़ेगा एलिजिबिलिटी लिस्ट से उसको, ताकि उसको ऑटोमेटिकली रिमूव ना करे वो, क्लियर। और ट्रंक अलाउड विलन लिस्ट में भी वो क्या होना चाहिए, एड। तो मैं यहां पे पहले क्या करूंगा, स्विच पे एक रिमोट स्पैन विलन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, विलन 200 बोला मैंने, और इसको बोलना पड़ेगा रिमोट स्पैन। क्या बोल दिया इसको, रिमोट स्पैन, और चेक कर ले शो विलन ब्रीफ। एक विलन बना हुआ है यहां पे कौन सा 200। अब स्पैन विलन है, कैसा विलन है, कैसे पता चलेगा, शो विलन रिमोट स्पैन में दिखा देगा। विलन 200 इज रिमोट स्पैन विलन। सेम विलन आप कहां पे बनाओगे, स्विच टू पे, सेम विलन बनेगा, अलग विलन नहीं होगा वो, विलन 200। अब यहां पे बन चुका होगा ना, शो विलन ब्रीफ ऑटोमेटिकली 200 बन चुका है ना यहां पे, अरे वीटीपी कॉन्फिगर्ड है, शो विलन रिमोट स्पैन, और विलन 200 यहां पे क्या है, रिमोट स्पैन विलन है ये। और एक और चीज, शो इंटरफेसिस ट्रंक, ट्रंक पोर्ट पे विलन 200 क्या होना चाहिए, फॉरवर्डिंग स्टेट में, फॉरवर्डिंग स्टेट में है। और अब मैं क्या करूंगा, स्विच वन पे चलूंगा, और स्विच वन पे जाके एक मॉनिटर सेशन क्रिएट कर रहा हूं, कौन सा 50। सोर्स पोर्ट इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/1, डायरेक्शन बोथ, डायरेक्शन क्या डिफाइन कर दी, बोथ। और यहां पे मॉनिटर सेशन 50, मतलब इस वाले सोर्स पोर्ट पे कोई भी डेटा सेंड रिसीव हो, एक कॉपी कहां पे भेज दे, डेस्टिनेशन रिमोट विलेन 200 की तरफ, तो रिमोट विलेन 200 की तरफ भेजेगा तो उन सभी पोर्ट पे भेज देगा जो विलेन, जो पोर्ट विलेन 200 के मेंबर होंगे, विलेन 200 में तो कोई है नहीं, तो एक कॉपी ट्रंक पोर्ट पे भी भेजेगा विलेन 200 का टैग लगा के। और यहां पे जैसे ही डेटा आएगा, मैं यहां पे क्या बोलूंगा, स्विच टू पे मॉनिटर सेशन नंबर 50, सोर्स विल बी रिमोट विलेन, कौन सा 200, मॉनिटर सेशन 50, डेस्टिनेशन इज इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4। आगे बात समझ में, तो एक कॉपी जैसे यहां पे आएगी, विलेन 200 का टैग रिमूव करेगा, इसको पता चलेगा विलेन 200 यहां पे क्या है, रिमोट स्पैन विलेन है सोर्स, तो एक कॉपी कहां पे भेज देगा, जो पोर्ट डेस्टिनेशन है यहां पे कॉपी आ जाएगी। आ रही है ना बात समझ में, प्रूव करके देख लें इसको। मैं पहले स्विच टू पे चलता हूं, और स्विच टू का क्लियर काउंटर्स क्लियर कर रहा हूं, इसके क्लियर काउंटर्स, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 1/0/4 के मैंने काउंटर्स क्या कर दिए, क्लियर। और अब मैं इस लैन यूजर से इस लैन यूजर को कुछ डेटा ट्रैफिक भेजता हूं, R1 से किसको, R2 को, 10.1.1.2 को, और रिपीट पैकेट भेजे मैंने 1000, तो 1000 पैकेट इन इस पोर्ट पे इन हो रहे होंगे आउट। अगर इस वाले पोर्ट पे आउटगोइंग डायरेक्शन में 2000 पैकेट दिखा रहे हैं, तो प्रूव हो जाएगा एक कॉपी वहां पे दूसरे स्विच पे जा रही है पोर्ट पे, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1/0/4, देखना हो गया प्रूफ, एक कॉपी इस वाले पोर्ट पे जा रही है ना। आगे बात समझ में, आपने यहां पे वो कैप्चरिंग टूल क्या कर रखा होगा, इंस्टॉल कर रखा होगा, क्लियर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, एक और चीज बता देता हूं, मॉनिटर सेशन नंबर क्या 50, एक फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर में वीलैन फिल्टर करवाने के लिए बोल रहा है, कौन सा वीलैन फिल्टर करवाने के लिए बोल रहा है, फिल्टर करवा दो। अब होगा क्या, मैं ट्रंक पोर्ट को भी क्या करवा सकता हूं, सोर्स पोर्ट बोल सकता हूं ना, ट्रंक पोर्ट को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, सोर्स पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट पे सभी वीलैन का डेटा क्या करता रहेगा, वो जितना भी विलेन का डेटा आएगा सबकी एक कॉपी कहां पे भेजता रहेगा, डेस्टिनेशन का। बट मैं नहीं चाहता जो विलेन 10 का जो डेटा आ रहा है उस पोर्ट पे, दैट विलेन 10 का जो डेटा फॉरवर्ड हो रहा है उसकी एक कॉपी कैप्चर करे, वो मॉनिटर करे, तो उसको यहां से आप क्या करवा दोगे, विलेन को फिल्टर। तो करंट पोर्ट पे विलेन 10 का
मतलब ट्रंक पोर्ट पे सारा डेटा ट्रैफिक, सभी विलन का डेटा ट्रैफिक क्या करता रहेगा, कैप्चर, बट जिसको आप फिल्टर करवाओगे उसका डेटा ट्रैफिक फिल्टर नहीं करेगा। बात आगे समझ में क्लियर है ये चीज? और ईआर स्पैन का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है यहां पे, बुक्स में कमांड देख लेना, बुक में दिख जाएगी कमांड तुम्हें।